ऑडियो की जो पिच होती ना बदल दिया करो वो चीजें मेले में छूट तो क्या ये हमारे को क्या जैसे महिला हाथ से बनी हुई चीज महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा गांव में रहने वाली जो महिला है वो अपने हाथ से तैयार करी हुई चीजें सेल कहाँ करने जाए गांव में तो इसकी इतनी होती नहीं क्योंकि गांव में गरीब परिवार के लोग होते हैं इसलिए हमारे विभाग ने ये महिला अधिकारिता विभाग वालों ने संभाग स्तर पर जगह जगह ये मेला लगाते हैं ताकि उन महिलाओं को कहीं बाहर नहीं जाना रोजगार मिल सके और किसी को देने के लिए मतलब बेचने के लिए सेल करने बाहर नहीं जाना इसकी पूरा खर्चा सरकार देती है उसे इनकी बिक्री भी अच्छी हो जाती है और शहरी लोग हाथ से बनी चीज ज्यादा पसंद करते हैं। इस मेला आयोजन किया जा रहा है इस मेले में 139 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भागीदारी की है और इस मेले के अमृता हाट मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद रेडीमेड गारमेंट सजावटी सामान है घरेलू साज सज्जा के सामान है नमदे हैं। और अभी तक कितने स्टॉल लगे पूरे मेले में 139 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भागीदारी की है। कहाँ कहाँ के समूह आए थे इसमें राज्य भर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया है मुख्य रूप से लगभग 50 समूह उदयपुर जिले से है इसके अलावा कोटा से है जयपुर से है बूंदी से है सवाईमाधोपुर से है सीकर से है झुंझुनू से है। मेले में जितने प्रोडक्ट हैं वो सभी बाजार में भी मिलते हैं क्या बाजार से मेले में सस्ता मिल रहा है क्या ऐसा कुछ है इसमें सर जो दो प्रकार की सामग्री जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत की गई है मुख्य रूप से जो स्वयं सहायता समूह जो खुद बनाता है अपना जैसे पापड़ वड़ी अचार है दाल से है रिलेटेड है पापड़ पापड़ी है या खाने पीने की सामग्री है इसके अलावा जो कपड़ों में जो मीनाकारी या छपाई या रंगाई या तुरपाई जिसको कहते हैं कसीदाकारी वो काम इसमें इनके द्वारा किया जाता है। सेम प्रोडक्ट हमको मार्केट में भी मिलता है तो अंतर दो है सर एक तो इनका खुद का प्रोडक्शन भी है और कुछ ये मार्केट से लाते हैं या मार्केटिंग या विपणन के लिए भी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं तो दोहरा विभाग का जो उद्देश्य है कि महिला को सशक्त करें चाहे वो खुद एज ए उत्पादक के रूप में काम करें या विक्रेता के रूप में। बहुत सारी गृहिणी महिला ऐसी है जो इच्छुक रखती है कि इन ऐसे संस्थान चलते हैं जिनसे जुड़ने के लिए और अपने घर पर बहुत सारे जो व्यवस्थाओं को लेकर तो किस तरीके से इन संस्थानों के साथ वो जुड़ सकती हैं क्या कोई प्रावधान है इस तरीके इस संबंध में सर हमारे महिला बाल विकास विभाग के 10 या 10 से अधिक सहायता समूह महिलाएं मिलकर एक समूह का निर्माण करती है और वो उनके अपने नियम स्वयं तय करती है मासिक किस्त का भुगतान भी करती है और वो एक धनराशि जुटाती है विभाग और बैंक के सहयोग से वो लोन भी लेती है और विभाग इनको तकनीकी रूप से सहयोग प्रदान करता है उनको प्रशिक्षण है या रिकॉर्ड कीपिंग है इस संबंध में उनको प्रशिक्षण करते हैं और उनको आगे जाके साथी है हमारे कार्यकर्ता है महिला पर्यवेक्षक है इनके द्वारा उनको मोटिवेट करके आर्थिक रूप से संबल बनाने का प्रयास करते हैं। मेले से लगभग कितनी आय का आंकड़ा बढ़ा है 5 दिवस का जो आंकड़ा है लगभग 15 लाख से अधिक की राशि का विक्रय हुआ है यह इसमें कुछ और राशि और बढ़ जाएगी जैसे 7 दिवस तक हमारा इसमें चलना है। मैं जोधपुर से अंजलि जैन बात कर रही हूँ और मैं उदयपुर में पिछले 8 साल से रह रही हूँ और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और इसीलिए मैं इस स्टॉल से और शिल्पग्राम के स्टॉल से तो वैसे मेरी शुरुआत हो चुकी लेकिन अब मेरी कंटिन्यूटी बनी हुई है पत्रिका के उससे और वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल में भी मैंने अपना स्टॉल डाला था फूड स्टॉल ही था मेरा और विशेषता मेरी इस स्टॉल में वैरायटी ऑफ पकोड़ाज हैं फ्रेंच फ्राइज है और मैगी रहती है और तरह तरह की मठरियाँ हैं आप देख सकते हैं मेरी टेबल पे हैं उधर तो ये सब मैं कर रही हूँ और मुझे खिला के बहुत ही आनंद महसूस होता है। ऐसी बेहतरीन खबरों के लिए हमारे लेक्सी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए बेहतरीन वीडियो।